नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षा में जो इंग्लिश आती है उसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये केवी के पुराने पेपर जो है ओल्ड पेपर केवी का या पुराने पेपर के क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन आप इसमें पढ़ें, पहले से चार क्वेश्चन का डायरेक्शन यही है। तो उनने लिखा है ये जो सेंटेंस दिया है उसमें एक वर्ड इटैलिसाइज्ड है, मतलब तिरछा लिखा है, जो हमने यहाँ मार्क किया है अवे। ये इटैलिसाइज जो वर्ड है उसके चार ऑप्शन हैं, आपको ये वर्ड हटा के कोई एक वर्ड उसमें फिल करना है। तो आपका जो पहला सेंटेंस है वो है द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वाज हेल्ड अवे फ्रॉम मी। तो आपको अवे को हटा करके इन चार में से कोई एक फिल करना है। तो अवे का नॉर्मल मतलब होता है दूर, तो आउट मीन्स होता है बाहर और ऑफ मीन्स होता है दूर, बाकी अप मीन्स होता है ऊपर, बैक मीन्स पीछे। तो ये दोनों आपके अलग हो जाएंगे। अब बचता है आउट और ऑफ। तो जो हेल्ड जो वर्ड है नॉर्मली ये वर्ड है होल्ड, तो ये होल्ड जो है ये अपने साथ आउट प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो होल्ड आउट होता है, होल्ड ऑफ नहीं होता है। तो अवे का अवे हटके आउट आएगा और आपका सही आंसर फर्स्ट है अवे। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है द मेन बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू डील विद मैटर्स पर्टेनेंट टू द लेजिस्लेशन। तो इसमें जो पर्टेनेंट टू वर्ड है इसको हटा के आपको कोई न्यू ये वर्ड इनमें से चूज करना है। तो आप ध्यान रखें पर्टेन जो है वो टू प्रीपोजिशन लेता है, तो इसमें विथ वाले दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब बचा पर्टेन टू और पर्टेनिंग टू। तो आप यहाँ देखें इच लगा है, तो इच के बाद नॉर्मली पर्टेनिंग ही आना चाहिए और इसलिए पर्टेन हटा के पर्टेनिंग टू आएगा। तो आपका ये आंसर सही है और ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, पर्टेनिंग टू द लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोहित हैज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैड गॉट मच मनी। मच की जगह आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन, तो आप देखें मच मीन्स होता बहुत ज़्यादा, मच डिटरमाइनर है। तो यहाँ बैग जो है वो नाउन है आएगा नहीं, टन नाउन है ये भी नहीं आएगा। कि ध्यान रखें साथियों कि मच जो होता है या कह सकते हो खाली स्थान अगर नाउन है तो नाउन से ही भरा जाएगा, वर्ब है तो वर्ब से ही भरा जाएगा, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होंगे। तो यहाँ डिटरमाइनर इनफ है और ए लॉट ऑफ है, लेकिन मच का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ इनफ का मीनिंग होता है पर्याप्त, तो इनफ भी नहीं आएगा। सही आंसर है अ लॉट ऑफ मनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही स्पेंट मच टाइम एंड एनर्जी ओवर इट एंड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द बार्गेन। बार्गेन मीन्स होता मोल भाव करना, तो मोल भाव जो होता है उसमें इनटू, इनटू मतलब का इनटू का यूज होता है कोई काम गति में करें, तो ये आएगा नहीं। विथ का मीनिंग साथ होता है, ये नहीं आएगा। बार्गेन फॉर, फॉर मीन्स होता के लिए, बार्गेन के लिए एक नहीं होती है। ऑफ द बार्गेन मतलब उसने पैसा और एनर्जी वेस्ट की, टाइम भी वेस्ट किया, किसके लिए बार्गेनिंग में, और उसे मिला क्या, कुछ नहीं। तो सही आंसर है ऑफ द बार्गेन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पाँच से सात तक, तीन क्वेश्चन में पाँच छः और सात, फाइव सिक्स सेवन में यही इंस्ट्रक्शन है, ये आपको फॉलो करना है। तो इसमें आप देखें चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एंड ईडियम फ्रेज इन ईच सेंटेंस। आपको अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर एक फ्रेज हो सकता है, ईडियम मीन्स मुहावरा हो सकता है, फ्रेज वाक्यांश हो सकता है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू मीनिंग, तो फ्रेज होता है। ईडियम मुहावरा आप जानते ही हैं, तो इनका आपको जो सही मीनिंग है चार ऑप्शंस में वो देना है। ध्यान रखें केवी के पेपर में इंग्लिश जो है आपको जर्नल जो एमपी के एग्ज़ाम में आती है वो नहीं आती है, थोड़ी कठिन इंग्लिश आती है। इसके बाद अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे, ही हैड सेकंड थॉट, ये आपका है। सेकंड थॉट की जगह इनमें से क्या लगाओगे, तो जो सेकंड थॉट जो होता है उसकी जगह आपको फिल करना है। पहला है चेंज्ड हिज माइंड, डिसाइडेड टू गो एल्सवेयर,
थर्ड है डिसाइडेड टू टेक समबडी विथ हिम ओ प्लानेट वेरी केयरफुली। तो सेकंड थॉट, सेकंड थॉट का मतलब आप तो नॉर्मली आप कॉमन सेंस लगाएं, अपन किसी से कहें हमारे माइंड में सेकंड थॉट था, मतलब उसके माइंड में पहले विचार था और सेकंड विचार है, मतलब उसका माइंड जस्ट चेंज हो गया। तो जस्ट चेंज होने को इसमें ऑप्शन है चेंज्ड हिज माइंड। सही आप आंसर है आपका वन, ये बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ही नोज विच साइड इज ब्रेड इज बटर्ड। ही नोज़, वो जानता है कि कौन सी साइड में उसकी उसके ब्रेड में बटर लगा हुआ है। तो ये एक मुहावरा है, तो आप देखें कि मुहावरा ब्रेड में बटर लगना मतलब बहुत अच्छी चीज़ होना है। नोज़ द आर्ट ऑफ कुकिंग, ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। नोज़ हाउ टू बटर अ स्लाइस, ये भी आंसर नहीं है। नोज़ हाउ टू चैटर, ये भी आंसर नहीं है। मतलब ये मुहावरा है जो देखा लिखा है वो उसका आंसर आर्ट ऑफ कुकिंग, ये मतलब उसे बनाने की कला पता है, ये बिल्कुल नहीं। बटर अ स्लाइस, उसको एक स्लाइस एक पीस काटना है, ये भी उस ये नहीं। चैटर मीन्स बात करना, ये भी नहीं। सही आंसर है फोर, नोज भेयर हिज एडवांटेज लाइस, उसे पता है कि कहाँ पर उसको एडवांटेज लाभ हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया सिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। हाँ, नेक्स्ट है यू मस्ट कीप योर हेड व्हाट एवर हैपन्स। तो कीप योर हेड, ये आपका फ्रेज है। कीप योर हेड मीन्स माइंड को रखना नहीं है। यहाँ आप ऑप्शन देखें, ऑनेस्ट होना, कंसंट्रेट होना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना एंड रिमेन काम, शांति होना। तो राइटर कहने वाला है जिसने लिखा कि कुछ भी हो जाए आपको अपने माइंड को कीप रखना है, मतलब शांत रखना है। तो ऑनेस्ट कंसंट्रेट रिस्पेक्टिंग ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर फोर है रिमेन कॉम, आप इसका ध्यान रखें। आप कुछ भी हो जाए माइंड को काम रखना है, कीप योर हेड रखना है, सही ऑप्शन फोर है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8, 9, 10 और 11, इन चारों ऑप्शंस के इंस्ट्रक्शन हैं। ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट, पूरा सेंटेंस चार भाग में डिवाइड है और इसका एक भाग में एरर है, मिस्टेक है, आपको वो मिस्टेक फाइंड करना है। मिरर है क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नो एरर नहीं दिया है, तो किसी ना किसी ऑप्शन में एरर ज़रूर है, आपको जो फाइंड करना और जो एरर है वो ही आपका आंसर है। तो फर्स्ट अपन चलते हैं, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। तो आप देखें कि नो सूनर जो होता है इसका प्रयोग जब भी होता है तो इसमें डिड आता है नो सूनर के बाद, या डू आता है, या अपने भाषा में सही शब्दों में कहें तो नो सूनर का प्रयोग जब भी होता है सेंटेंस इंट्रागेटिव बनता है। और यहाँ सेंटेंस वी एंटर्ड है तो यहाँ डिड आगे आना था, फिर वी फिर इंटर होना था, लेकिन उन्होंने डिड यहाँ आगे ना लगा के इसमें लगा दिया, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो गलत है और सही आपका जो आंसर है वो है वन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस आई फाउंड दैट ही हैड बीन डाइड। व्हेन आई वेंट, जब मैं गया हिज हाउस उसके घर, आई फाउंड मैंने पाया दैट ही हैड बीन डाइड। तो यहाँ दैट ही हैड बीन डाइड, तो आप देखें मैं उसके घर गया मैंने उसे मरा पाया, तो यहाँ आना था ही डाइड, हैड बीन आना ही नहीं था, ही डाइड आना था। तो आपके जो सही आंसर है वो है फोर, ही हैड बीन डाइड, इसमें पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनता, सीधा आता ही डाइड, तो आंसर आपका फोर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। तो वॉकिंग बिल्कुल सही है, अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के पार चलते समय अ ट्रक एक ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। तो आप यहाँ देखें वो स्ट्रीट गली के पास चल रहा है और ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, मतलब जो नॉक्ड वर्ड है ये पास्ट टेंस में ना होके प्रेजेंट में होना था और नॉक का हो जाता नॉक्स अकेला, ईडी हट जाता, प्रेजेंट टेंस होता। वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के किनारे चलते हुए एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, ये हुआ, नॉक्ड नहीं होगा। तो आपका आंसर है फोर, ये बाकी ये आंसर आपके नहीं है, फोर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11,
दिस पॉन्ड इज फ्लॉडेड विथ वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 डेज. द पॉन्ड इज फ्लडेड, बिल्कुल सही है. पॉन्ड मीन्स तालाब, फ्लड मीन्स बाढ़ का आना, वाटर से भरा है बिकॉज, क्योंकि, ये भी सही. इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 डेज. आप देखें साथियों, इसमें जो फॉर और सिंस का प्रयोग होता है वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, लेकिन यहाँ टेंस है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो इज की जगह हैज बीन होना था. तो आपका जो आंसर है वो है थर्ड. ये आपके आंसर गलत है. सही आंसर है आपका थर्ड, इसका आप ध्यान रखें. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन. 12, 13 और 14 जो क्वेश्चन हैं उनके इंस्ट्रक्शन हैं. अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज. एक शब्द को 4 अलग अलग तरीके से लिखा गया है, केवल एक ही शब्द स्पेलिंग सही है, करेक्टली स्पेल्ड. आपको वो करेक्टली जो स्पेलिंग लिखी वही ढूंढना है. तो आज इसमें देखें, सही स्पेलिंग है इसमें पैरेलल. पैरेलल की जो सही स्पेलिंग है वो है PARALLEL, इसका आप ध्यान रखें. ना तो PARALEL है और ना ही PARALLEL है. तो पैरेलल, पैरेलल मीन्स होता समानांतर, PARALLEL. तो ये आपका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं. इसमें एक स्पेलिंग देखना है हाइपोक्रिसी. हाइपोक्रिसी मतलब होता दिखावा करना. तो हाइपो की स्पेलिंग जो है वो एच वाई से स्टार्ट होती है. तो इस आधार पे फर्स्ट और सेकंड गलत हो गए. तो हाइपो इसमें भी है, इसमें है. अब कृषि की स्पेलिंग जो है CRISY है, इसमें CRESY लिखा है जो गलत है. सही आंसर है आपका थर्ड. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14. इसमें भी आपको स्पेलिंग सही करना है इंडिजेनस. तो आप देखें इंडिजेनस, तो INDI इसमें नहीं है. तो ये जो नहीं है इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत है. अब आते हैं जेनस. तो यहाँ जीनियस लिखा है, जेनस नहीं लिखा, जीनियस, GENIUS. तो ये भी आपका आंसर गलत है. अब आते हैं जीनस. तो जेनस जो है वो जो ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है वो है INDIGENOUS, इंडिजीनस. इंडिजीनस मीन स्वदेशी होता है. आपका सही आंसर ये है. ये आंसर आपका जो थर्ड है वो भी गलत है, क्योंकि जीनस जो है GENUS स्पेलिंग नहीं होती है, अमेरिकन होती, ब्रिटिश है इंडिजीनस. सही आंसर आपका 14 है. इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स जो 15 क्वेश्चन हैं, 15, 16, 17, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, उनके इंस्ट्रक्शन हैं. चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनड वर्ड इन ईच सेंटेंस. आपको वो वर्ड चूज करना है जो अंडरलाइन वर्ड है, जो हमने मार्क किया है यहाँ, उस वर्ड का बेस्ट एक्सप्रेस है, सबसे ज़्यादा उसका समानार्थी है या बिल्कुल उसको एक्यूरेट डिफाइन करता है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज स्टनेड एट द अनअबेस्ट डिस्प्ले ऑफ वेल्थ इन द बेडिंग. तो आई वॉज स्टनेड, स्टनेड का मतलब वो आश्चर्यचकित था कि उसने शादी में अनअबेस्ट, अनअबेस्ट का मतलब होता है, यहाँ आप देखें अनबेस्ट का मीनिंग होता है सेमलेस, शर्म ना होना. उसने शर्म, उसे शर्म नहीं थी, सेमलेस, इम्प्रेसिव, एक्यूरेट और कैंडिड. आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं. और ध्यान रखें, जब 3 सेंटेंस के एक ही मीनिंग हो और 1 सेंटेंस का मीनिंग अलग हो तो वही आपका आंसर होगा. इम्प्रेसिव शानदार, एक्यूरेट बिल्कुल सही, कैंडिड मीन्स होता विश्वासपात. तो इसमें 3 ऑप्शन ये 1 से हैं, बाकी सेमलेस मतलब होता है शर्म ना होना. तो सही आंसर है आपका थर्ड, सेमलेस. फिर नेक्स्ट है द मिनिस्टर कंडेसेंडेंट टू एक्सेप्ट अवर इन्विटेशन. मिनिस्टर जो था उसने कंडेसेंडेड किया. कंडेसेंड का मतलब होता है डेक्लाइन मीन्स होता मना करना. उसने मना नहीं किया है, एग्री, उस वो सहमत भी नहीं है. फेल्ट हैप्पी, जब सहमत नहीं है, मना नहीं किया तो हैप्पी हो ही नहीं सकता, वो है डेनेड. इसमें आई साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट रहता है. तो आपको पढ़ना है डेनेड. तो जो डेनेड का मीनिंग होता है वो होता है कि उसने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करते हुए उसे लगा कि बताओ इतने छोटे लोगों का हमें इनविटेशन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है. तो उसको बोलते हैं
कंडेंसेटेड या डेनेट? आपका आंसर सेकंड सही है। नेक्स्ट है द नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर पावर माइट लीड टू एनीहिलेशन। तो आप ध्यान रखें एनीहिलेशन का मीनिंग होता है विनाश करना, टोटल नष्ट करना। तो इसमें ऑप्शन देखें, इसमें ऑप्शन है आपका प्रोग्रेस, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें हेल्थफुलनेस, ये नहीं हो सकता। टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश कर देना, सही आंसर आपका जो है वो है टोटल डिस्ट्रक्शन या विनाश करना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18, 19 और 20 18, 19, 20 वो आपका अपन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्ड एज फॉलोड बाय 4 explanatory explanation। इसका मतलब है ये 18, 19, 20 में एक शब्द दिया है, आपको उसके अनेक शब्द ढूंढना है। तो अपन इसमें देखते फर्स्ट क्वेश्चन है वार्डरोब। वार्डरोब मींस होता है अलमारी। तो अगर आपको इसकी हिंदी पता है अलमारी में क्या रखा जाता है, तो आप ध्यान देंगे अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, उसे क्लॉथ कपड़े रखे जाते हैं, तो वो वार्डरोब कहलाती है। नेक्स्ट है आपका 19 आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट है ये थोड़ी कठिन वर्ड है, लिटरेचर का वर्ड है। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पॉपुलर बिलीफ और पहले से बनाए हुए जो कस्टम हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका विरोध करता है, वो आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है थर्ड नंबर, जिसमें ये लिखा है कि वन हु क्रिटिसाइज, आलोचना करना पॉपुलर बिलीफ, विश्वासों का और कस्टम, बने बनाए रीति रिवाजों पर जो आलोचना करता है वो आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना फिलिस्टीन, ये भी लिटरेचर का वर्ड है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे जो ना तो आर्ट को, न साहित्य को, न म्यूजिक को पसंद करता है, वो कहलाता है फिलिस्टीन। तो इसमें ये एक ही ऑप्शन है थर्ड, वन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक, वो कहलाता है फिलिस्टीन। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें। अगले वीडियो में अपन दूसरी एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।